यस मैम। टॉपिक कहाँ पे था हम लोगों का? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कहाँ पे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे ना। यस मैम। यस है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ये सब बता दिया था। आज हम लोगों को एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में भी बता चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ना है। तो टेस्टिस जो है वो हम लोगों का आउटसाइड बॉडी प्रेजेंट होगी, आउटसाइड बॉडी प्रेजेंट होगी। टेस्टिस, बात इतनी क्लियर हो रही है? टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है? आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी है इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज स्क्रॉटल सैक, स्क्रॉटल सैक। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्क्रॉटल सैक के नाम से जानते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई? टेस्टिस आउटसाइड बॉडी प्रेजेंट है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। इस सैक को स्क्रॉटल सैक बोलते हैं, ठीक? स्क्रॉटल सैक की जो आउटर कवरिंग है उसको हम लोग, यानी कवरिंग ऑफ स्क्रॉटम, कवरिंग ऑफ स्क्रॉटल सैक, स्क्रॉटल सैक इज नोन एज स्क्रॉटम, इज नोन एज स्क्रॉटम। कवरिंग ऑफ स्क्रॉटल सैक इज नोन एज स्क्रॉटम। बात क्लियर हो गई? ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस आउटसाइड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अगर आउटसाइड प्रेजेंट है तो यहाँ पर लिख लो आउटसाइड बॉडी प्रेजेंट है, यानी आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस सैक इज नोन एज स्क्रॉटल सैक। स्क्रॉटल सैक की कवरिंग को स्क्रॉटम बोलते हैं, स्क्रॉटल सैक की कवरिंग को स्क्रॉटम बोलते हैं। स्क्रॉटम इज अ हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर, स्क्रॉटम इज अ हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर। समझ गए? हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर है स्क्रॉटम। ये स्क्रॉटम जो है कैसा स्ट्रक्चर है? हाईली इलास्टिक। बात समझ गए? लिखिए। मैम, इसका मीनिंग क्या है? आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी और इन अ सैक लाइक आउटसाइड, स्ट्रक्चर। देखो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है ये कॉलर बोन से लेके हिप बोन तक, कॉलर बोन से लेके हिप बोन तक हम लोगों का पूरा एब्डोमिनल कैविटी है। तो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी का मतलब इस कैविटी के बाहर, इस कैविटी के बाहर। बात समझ गए? मैम, सैक लाइक स्ट्रक्चर मैम, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर। और सैक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कैविटी के बाहर ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज में होगी नहीं। तो जिस कवर में, जिस बैग में टेस्टिस प्रेजेंट है उस बैग का नाम स्क्रॉटल सैक है। सैक का मतलब होता है बैग, यानी एक ऐसा स्पेस बनाया गया, एक ऐसा पाउच बनाया गया है जिस पाउच में टेस्टिस प्रेजेंट है और उस पाउच का नाम स्क्रॉटल सैक है। और जब वो पाउच है तो उसकी कोई ना कोई कवरिंग होगी, तो जो कवरिंग है यानी पाउच कवर्ड है उस पाउच की कवरिंग को हम लोग स्क्रॉटम बोलते हैं, जो कि हाईली इलास्टिक है क्योंकि बॉडी से बाहर उसको हैंग करना है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे इसलिए वो हाईली इलास्टिक है और बहुत पतली है। हाईली इलास्टिक और हाईली थिन स्ट्रक्चर है। बात समझ गए? लिखिए।
बात सबको बेटा क्लियर हो गई? यस मैम। सबको सबको क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? गौरी, रिया, श्रेयांश, हर्षित, जुनैद, यस मैम। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। डन स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। अब जरा देखना, इसको रख करा हमने, अब हम लोग देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या सिचुएशन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या सिचुएशन है? टेस्टिस प्रेजेंट ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। उसके बाद ये है रेटी टेस्टिस, ये एपिडर्मिस, देखो यहां पे हमने क्या दिया है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने इसका नाम लिखा, ये है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस उसके बाद है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस फिर हम लोगों का वासा एफरेंसिया। रेटी टेस्टिस के बाद है वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया फिर हम लोगों का सेमिनल। सेमिनल वेसाइकिल, ये हम लोग का पेनिस, ये है यूरेटर, ये है ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस ये है टेस्टिकुलर लोब। टेस्टिकुलर लोब, टेस्टिकुलर लोब, और ये है स्क्रॉटम।
है स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक। हाँ बनाइए इस डायग्राम को। डन स्टूडेंट्स। नो मैम, एक मिनट। डन मैम। देखो अब हम लोगों ने क्या बताया कि जो टेस्टिस और सैक लाइक स्ट्रक्चर है, टेस्टिस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जिस सैक का नाम स्क्रोटल सैक है, जिस सैक का नाम स्क्रोटल सैक है, स्क्रोटल सैक की कवरिंग को हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। टेस्टिस अंदर स्मॉल स्मॉल चैम्बर्स में डिवाइड होता है, टेस्टिस स्मॉल चैम्बर्स में डिवाइड होता है, इन स्मॉल चैम्बर्स को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, स्मॉल चैम्बर्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नेम से जानते हैं। बात समझ गए, जो स्मॉल चैम्बर्स हैं उनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नेम से जानते हैं। ये हम लोगों का क्या है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के एंटीरियर एंड पर एक बंच लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम लोग वासा एफरेंसिया बोलते हैं। वासा एफरेंसिया के बाद ये जो ऊपर लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस, इसको हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस। और इसके ऊपर एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लेटरल साइड पर, सारी वासा एफरेंसिया क्वाइल्ड होकर लेटरली एडियर हो जाती हैं। जब ये स्ट्रक्चर लेटरली क्वाइल्ड होकर एडियर हो जाती हैं तो इसको इपीडिडाइडमिस के नेम से जानते हैं, इसको इपीडिडाइडमिस के नेम से जानते हैं। और ये जो इपीडिडाइडमिस है उसका लास्ट एंड जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम लोग वास डिफरेंस बोलते हैं। वास डिफरेंस का लास्ट एंड सैक लाइक हो जाता है जिसको सेमिनल वेसाइकिल बोलते हैं। सेमिनल वेसाइकिल आगे जाकर यूरेटर में मिक्स होता हुआ पेनिस में एंटर कर जाता है। पेनिस एक्ट एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, पेनिस एक्ट एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है, एक्ट एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन जो ड्यूरिंग इजेकुलेशन, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन इजेकुलेट हो जाता है, इट बिकम्स इरेक्ट एंड इजेकुलेट सीमेन। बात इतनी क्लियर हो गई। अब जरा देखो यहाँ पर हमने क्या बताया, टेस्टिस ओवल स्ट्रक्चर है, टेस्टिस ओवल स्ट्रक्चर है, टेस्टिस के चारों तरफ की जो कवरिंग है उसको हम लोग स्क्रोटल सैक बोलते हैं, स्क्रोटल सैक को जो कवरिंग कवर कर रही है उसको स्क्रोटम बोलते हैं। इनसाइड टेस्टिस फाइन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये जो टेस्टिकुलर लोब हैं उनकी नंबरिंग है 250 टेस्टिकुलर लोब्स प्रेजेंट हैं
यानी दोनों टेस्टिस में टोटल इन ऑल, दोनों टेस्टिस में, बोथ टेस्टिस में हम लोगों के कितने प्रेजेंट हो गए? 500, 500 टेस्टिकुलर लोब प्रेजेंट हो गए, 500 टेस्टिकुलर लोब प्रेजेंट हो गए। बात समझ गए? बात इतनी समझ गए? यस अब मैम। इसके अंदर से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज वासाइफरेंसिया। वासाइफरेंसिया रेटी टेस्टिस में प्रेजेंट होती है। वासाइफरेंसिया हाईली कॉइल्ड होकर अटैच्ड एट द लेटरल साइड ऑफ टेस्टिस, दैट इज नोन एज इपिडिडाइडमिस। लास्ट पार्ट ऑफ इपिडिडाइडमिस इज नोन एज वास डिफरेंस, बिकम्स अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नोन एज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का लास्ट एंड सैक लाइक हो जाता है, जिसको हम लोग सेमाइनल वेसाइकल बोलते हैं या सेमिनल वेसाइकल बोलते हैं। इन द सेमिनल वेसाइकल स्पर्म आर स्टोर परमानेंटली। सेमिनल वेसाइकल में जो फ्लूड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सीमेन बोलते हैं। ये जो फ्लूड की स्ट्रक्चर है इसको सीमेन बोलते हैं। सीमेन में स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, सीमेन में स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। बात समझ गए? सीमेन में स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत हो रही है? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है किसी को? इतनी बात में नो कोई मैम, प्रॉब्लम नो है किसी को? बच्चों सबको समझ में आ मैम, गया? समझ यस में आ मैम, गया? समझ में आ गया? ये नो मैम कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये नो मैम। मैम हाँ मैम, इन सब के यूजेस बताएंगे क्या आप? हाँ इन सब के यूजेस बताएंगे। इन सब का यूज क्या है? इसको रब कर दें, यस मैम। इसको रब कर दें। अब इसका यूज देखो, इसका यूज क्या है? पेनिस का यूज तो बता ही दिया हमने, यस मैम, पेनिस का यूज क्लियर हुआ। अब जरा देखो, देखो टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट थी फाइन ट्यूब्यूल्स, 250 कंपार्टमेंट। वन कंपार्टमेंट इज इक्वल टू टू से थ्री, वन कंपार्टमेंट, वन कंपार्टमेंट यानी वन टेस्टिकुलर लोब, वन टेस्टिकुलर लोब, वन टेस्टिकुलर लोब में टू से थ्री फाइन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। फाइन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, दीज फाइन ट्यूब्यूल्स आर नोन एज सेमनी फेरस, सेमनी फेरस ट्यूब्यूल, सेमनी फेरस ट्यूब्यूल। बस समझ गए? दीज फाइन ट्यूब्यूल्स आर नोन एज सेमनी फेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनी फेरस ट्यूब्यूल्स। वन कंपार्टमेंट है, एक टेस्ट मतलब एक टेस्टिकुलर लोब में दो से थ्री फाइन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। इन फाइन ट्यूब्यूल्स को सेमी फेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? जरा देखो, बात क्लियर हो गई बेटा? बच्चों नो मैम, बात इतनी मैम क्लियर नहीं मेरे भी हुई? देखो क्लियर नहीं हुई। जब हम लोग ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर में ये कंपार्टमेंट थे, ये लोब थे। इन यस मैम, लोब को टेस्टिकुलर लोब बोला था, यस मैम, लोब बोला था टेस्टिकुलर लोब। इस एक लोब में जैसे एक लोब बाहर निकाल लिया, इसमें एक दो तीन, दो से तीन फाइन ट्यूब्यूल्स ऐसे क्वाइल करके रखी हुई हैं। ठीक है, बहुत फाइन ट्यूब्यूल्स, ये तो डायग्राम बना रहे तो बड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइन ट्यूब्यूल्स क्वाइल करके रखी हुई हैं, जिन ट्यूब्यूल्स का नाम सेमनी फेरस ट्यूब्यूल है। बात इतनी क्लियर हुई कि नहीं? तो मैम वो जो वो 250 होते हैं उनके अंदर होती है। हाँ, जो ये 250 कंपार्टमेंट है, हाँ उस एक के अंदर दो से तीन है, तो 250 इज इक्वल टू थ्री कर दे, यानी ईच में हम मैक्सिमम तीन मान ले, तो 250 इज इक्वल टू थ्री कर दिया, तो 300, 350, 1 कैरी, 3 750 6, 6, 7, 750 फाइन ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिस में प्रेजेंट है। 750
750 फाइन टिब्यूस, 750 फाइन टिब्यूस, भर जाओ मत पढ़ो चुप, 750 फाइन टिब्यूल्स प्रेजेंट हैं, बस समझ गए, एक टेस्टिस में, दूसरी टेस्टिस की बात यही है, दो टेस्टिस प्रेजेंट है, तो 750 इज इक्वल टू 750 55 10 77 14 1500 सेमिनिफेरस टिब्यूल ह्यूमन की टेस्टिस में प्रेजेंट है। बात इतनी क्लियर हुई कि नहीं? रिया गौरी विनय श्रेयांश हर्षित, यस मैम, श्रेयांश क्लियर हो गई ना कि एक टेस्टिस में कंपार्टमेंट है 250 और वन कंपार्टमेंट यानी वन टेस्टिकुलर लोब में 2 to 3 फाइन टिब्यूल्स आर प्रेजेंट एंड दीज फाइन टिब्यूल्स आर नोन एज सेमिनिफेरस टिब्यूल, दीज फाइन टिब्यूल्स आर नोन एज सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक, वन टेस्टिस कंटेन्स 250 कंपार्टमेंट, तो 250 कंपार्टमेंट कंटेन्स हाउ मेनी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, 750, समझ गए? यस मैम। एंड इन बोथ टेस्टिस टोटल नंबर ऑफ एसएफटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएफटी बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ एसएफटी इज इक्वल टू 1500, इन बोथ टेस्टिस टोटल नंबर ऑफ एसएफटी इज इक्वल टू 1500 एंड टोटल नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब इज इक्वल टू 500, बात क्लियर हुई? यस मैम, बात क्लियर हुई? मतलब वन टेस्ट इज 250 कंपार्टमेंट, टू टेस्ट इज एग्जैक्टली 500, समझ गए? और जब 250 कंपार्टमेंट तो इज इक्वल टू 750 एसएफटी, तो 500 कंपार्टमेंट इज इक्वल टू 1500 एसएफटी, समझ गए? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया ने? इस तरीके से अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा, आप लोग आगे किसी जगह पे जाते हैं जहाँ कॉम्पिटेटिव या एनटीएससी ओलंपियाड देने जाते हैं, तो वहां पर अगर क्रॉस क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि पेपर से सिलेबस कम हुआ है तो जरूरी नहीं कि पेपर का लेवल डाउन हो जाए, मतलब आप लोगों के लेवल मतलब पढ़ा कम है, इस बार स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, लेकिन ऑनलाइन पढ़ तो रहे ही है, तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ट्विस्ट ना करे, तो अगर कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर है तो चाहे कितना क्वेश्चन क्रॉस कर जाए, ये बात तो क्लियर है ना, ये बात न्यूमेरिकली क्लियर है। अगर अब यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन आता है कि जब सबके पास टेस्टिस है, सबके पास 250 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब है, सबके पास एसएफटी है, तो कुछ मेल ऐसे भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, समझ रहे हो ना, तभी तो वो टेस्ट ट्यूब भी करवाने जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इन दोनों लोब में जितनी एसएफटी हैं, उन एसएफटी की कैपेसिटी, स्पर्म प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत कम होती है, उनके स्पर्म मोटाइल बहुत कम होते हैं, उनमें स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, कंपार्टमेंट उतने ही है, टेस्टिस उतनी ही है, एसएफटी उतनी ही है, लेकिन एक्टिविटी डाउन है, बात समझ गए? यस मैम, यस मैम, समझ गए ना, नोट करिए, मतलब वो लेस एक्टिव नोट कर लोगे, हाँ लेस एक्टिव होते हैं, स्पर्म बने बट स्पर्म इनएक्टिव ज्यादा है, एक्टिव कम है, जैसे मान लीजिए हम लोगों के 3 ml सीमेन में 300 स्पर्म एक रेशियो बुक का आया था, जो पहले हम लोग भी पढ़ते थे, अभी भी ये बुक का रेशियो है, ये रेशियो डाउन हुआ, 3 ml सीमेन में 290 स्पर्म का रेशियो आ गया, जैसे ग्रोथ हो रही है, यानी जैसे हम लोग डेवलप हो रहे हैं, तो उसके बाद रेशियो और डाउन हुआ, हम तो ग्रोथ कर रहे हैं, रेशियो डाउन हो रहा है, लोग ड्रग्स लेने लगे हैं, चढ़ाते हैं, ये भी चढ़ाते हैं, फूकते हैं, हुक्का सब कुछ चलता है, मतलब दैट इज अ नेचुरल समथिंग है वही, ठीक, ये तो है वही है, वो भी है वही हो गया, समझ गए? तो 3 ml सीमेन और 80 स्पर्म फंक्शनल। दूसरा एक निगेटिव पॉइंट, मैरिज डिले 35 35 30 क्रॉस करके, एक तो प्रोडक्टिविटी कम, एक्टिविटी कम, ऊपर से एज ज्यादा और प्रोडक्टिविटी कम, बात समझ रहे हैं?
बात इतनी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं कि हमारा जो बीपी है नॉर्मल, जब सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, तो जो हमारा नॉर्मल बीपी है वो 120 अपॉन 80 mmHg होना चाहिए। मेरा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक फिट हैं। किसी का नहीं है, उसको प्रॉब्लम है, तो वो अनहेल्दी है। डॉक्टर ने अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी रेशियो अपना चेंज कर दिया कि कोई 110-80 में खुश है, कोई 130 में खुश है, तो डॉक्टर ने कहा भाई जिसमें आप सेटिस्फाइड हो वही आपका बीपी है, क्योंकि हर टाइम पे हर एज पे बीपी की मेडिसिन दे नहीं सकते हैं। ज्यादा है तो मेंटेन कर लेंगे, कम है तो भी मेंटेन कर लेंगे, बढ़ा दिया तो चल देंगे, समझ गए? इधर इम्बेलेंस हुआ तो मेंटेन कर लेंगे, लेकिन अगर बढ़ाने की मेडिसिन दे दी तो टिकट कटा लेंगे, फिर वापसी का कोई पैटर्न नहीं है। बस समझ गए? समझ आ रही कि नहीं आ रही होता है? मैम एक बार लास्ट में जो बोल रहा ना आपने, वो रिपीट कर दीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हाइट कम है, सपोज दैट हाइट कम है या बीपी हमारा कम रहता है, हम डॉक्टर से कहें डॉक्टर साहब मेरा बेबी जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, ठीक है, 4 साल का हो गया उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, मतलब हमको नहीं दिख रही, मतलब नहीं बढ़ रही, फिजियोलॉजी नहीं जानते हम। डॉक्टर ने अपना न्यूट्रिएंट कंप्लान ये सब बताना छोड़कर दवा दे दिया, या कुछ लोग हाई स्पीड के कैप्सूल्स खाने लगे, तो बढ़ेगा तो कुछ, लेकिन हो सकता है नेक बढ़ जाए, हो सकता है एक हाथ बढ़ जाए, हो सकता है टोज बढ़ जाए, पाम बढ़ जाए, बढ़ेगा क्या बढ़ेगा ये डिसाइडेड नहीं है। हम अगर एंड्रोजन के इंजेक्शन लगवा लें अपने, तो एड्रेनलिन सिक्रीट तो ज्यादा हो जाएगा, इनहिबिट कौन करेगा? इनहिबिट करने का मेरे पास कुछ है ही नहीं। हम स्टिमुलेट तो कर सकते हैं, हम आपसे कह दें या हमसे कोई कह दे जाओ सुसाइड कर लो, मेरे दिमाग ने स्ट्राइक कर दिया, हाँ यार मर जाना चाहिए, मेरा दिमाग अब एक डायरेक्शन में वर्क करेगा, मर जाना चाहिए, ये हमको कौन समझाएगा दिमाग का कौन सा पार्ट कि नहीं मरना चाहिए, क्योंकि ये तो स्टिमुलेंट है, हमको एक्सेप्ट हो गया, हम अपना उसी धुन में चल रहे पागलों तरह। डॉक्टर ने कहा आपका जो रेशियो था 3 ml सीमेन में 300 स्पर्म का रेशियो था बुकेस, डे बाय डे प्रोग्रेस हुई, हुक्का दारू विस्की रम ये सब फैशन हो गया, तो अब ये जो पहले 300 फिर 290 और अब रेशियो आ गया 80, क्योंकि 18 के पहले से लेके 80 तक हम लोग कुछ ना कुछ सुट्टा लगाते ही हैं, सभी के अंदर कोई ना कोई गट्स होते हैं, कोई हुक्का पी रहा है, कोई ड्रिंक ले रहा है, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, ये सब स्टैंडर्ड है, कोई बात नहीं है, तो स्टैंडर्ड वो सब भी हो गया है कि अगर आप फर्टाइल नहीं है तो दैट इज अ स्टैंडर्ड, आपके बच्चे नहीं हुए, आपने नहीं किए, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि आप कर सकते नहीं है, आपके पास कैपेसिटी कम हो गई है, बात समझ रहे हैं? हम अपनी बॉडी फिजियोलॉजी में अगर अपने मन से कुछ डिस्टरबेंस करते हैं तो हम कभी उसको रिकवर नहीं कर सकते, नेवर, रिकवरिंग नहीं है। अगर मेडिसिन थ्रू आपने कुछ किया है, ड्रग्स लेके एनर्जी बढ़ाई है, एंड्रोजन लेके दौड़े हैं, वापसी नहीं है, लेवल तो बढ़ गया है, मसल्स बढ़ गई हैं, चेस्ट चौड़ा हो गया है, वापसी नहीं है, चेस्ट पतला हो जाए हम फिर से लड़की बन जाए, नहीं, जो दे दिया वो दे दिया, अब वापसी नहीं है कि बैकफुट मार लें हम लोग। बात इतनी क्लियर हो गई? यस मैम। यस मैम। यस हो गई? किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम तो हम जो होते हैं वो तो 300 मिलियन थे ना, 300 मिलियन या मिलियन नहीं थे, 300 मिलियन होते हैं ना, 300 मिलियन नहीं, 3 ml सीमेन में 300 स्पर्म, अगर मिलियंस ऑफ नंबर में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, मिलियंस ऑफ नंबर में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, मिलियंस ऑफ नंबर में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है पर डे, सीमेन वो चीज है, सीमेन वो चीज है जिसमें स्पर्म, जिस लिक्विड में स्पर्म बॉडी से डिस्चार्ज होगा, और वो सीमेन, वो जो सीमेन है वो सेमिनल वेसाइकिल का फ्लूड है, सेमिनल वेसाइकिल जो अभी हम लोगों ने सैक लाइक बनाई थी उसका जो फ्लूड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन,
व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, उसमें स्पर्म रहते हैं, क्योंकि स्पर्म हवा में तो दौड़ेंगे नहीं, कोई ना कोई लिक्विड मीडियम चाहिए जो स्पर्म को कंटिन्यू करे कि बॉडी में जा रहा है, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो सब कुछ करे। बस समझ गए, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। ठीक, अब जरा देखो, सीमेन वो लिक्विड है, उसमें फ्रक्टोज है, उसमें कैल्शियम है, जो स्पर्म को मोटाइल और एक्टिव बना रहे हैं। इतनी क्लियर हो गई बात? कुछ भी इसमें से कम हुआ, स्पर्म बेकार हो गए। सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है फ्रक्टोज को, सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है फ्रक्टोज को, ठीक है? फ्रक्टोज से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, फ्रक्टोज से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। अगर फ्रक्टोज कम हो गया, फ्रक्टोज कम हो गया, स्पर्म की मोटिलिटी अपने आप कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। जब तक लेवल में कम है, तब डॉक्टर से सजेशन ले लिया तो डॉक्टर ने एडवाइस दे दी कि भाई ये कम है, ऐसा ऐसा खा लीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा डाउन हो गया तो फिर मेंटेन का कोई प्रोसेस नहीं है। समझ गए? Yes, समझ। और टोटल नंबर ऑफ स्पर्म बिलियंस ऑफ नंबर में बनते हैं, बिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं होल लाइफ। 12 साल से बनाना शुरू किया, 70 साल तक बनाते रहेंगे, चाहे कम बनाए मगर बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। एक्टिव कितने रहेंगे डिपेंड करता है अपनी एक्टिविटी पे। अगर आप ड्रग्स लेते हैं, कम जाते कहाँ हैं? इतने सारे स्पर्म पर डे यूरिन से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना, हमारे यहाँ मेंसेस साइकिल से एक ओवम को डिस्ट्रॉय होना, उनके यहाँ पर डे स्पर्म यूरिन से ही डिस्चार्ज हुए जा रहे हैं। 100 डिस्चार्ज हो गए, खत्म हो गई कहानी, फिर बने, फिर डिस्चार्ज हुए, खत्म कहानी, फिर बने, फिर डिस्चार्ज हुए, फिर खत्म कहानी। ऊपर से समझ में नहीं आया था, क्या चीज नहीं समझ आया? रेशियो, रेशियो क्या? रेशियो कौन किसका रेशियो? मैम सीमेन एंड स्पर्म का। सीमेन इन स्पर्म का मतलब टोटल सीमेन में कितने स्पर्म होते हैं, ठीक है? एक बार कॉपुलेशन करना है, एक बार, ठीक? किसी से फिजिकल कांटेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ड्यूरिंग फिजिकल कांटेक्ट यानी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पर, ठीक है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पर पेनिस इरेक्ट हुआ, उस टाइम पर केवल जो सीमेन डिस्चार्ज होगा वो होगा 3 ml। बात समझ में आ गई? यस मैम। बात समझ में आ गई? यस मैम। बात समझ में आ गई? इतना जो सीमेन है वो 3 ml है। जिस समय हमको अपनी फर्टिलिटी चेक करनी है उस समय डॉक्टर कहता है कि जाइए स्पर्म यानी सेक्सुअली एक्साइटेड होकर पेनिस से सीमेन को डिस्चार्ज।